गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाउ टू राइट ए डिजर्टेशन। विद्यार्थियों, आज हम लघु शोध प्रबंध लेखन के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान या एजुकेशनल रिसर्च में अनुसंधान दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की या गुणात्मक अनुसंधान की, तो गुणात्मक अनुसंधान में जो आपका डिजर्टेशन का फॉर्मेट होता है, लघु शोध प्रबंध का जो फॉर्मेट होता है, तो वो क्वांटिटेटिव से आपका भिन्न होता है। और यहाँ पर जो चैप्टर की संख्या होती है 7 से लेकर 9, या जो आप जिस प्रकार का आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान की, तो मात्रात्मक अनुसंधान का जो डिजर्टेशन आपका होता है, लघु शोध प्रबंध होता है, वो 5 चैप्टर्स में डिवाइड रहता है या 5 अध्याय में समाप्त होता है आपका। तो आज हम बात करते हैं डिजर्टेशन राइटिंग की, क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटेटिव डिजर्टेशन आपका या मात्रात्मक अनुसंधान का लघु शोध प्रबंध 5 अध्याय में विभक्त रहता है। प्रथम अध्याय आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट चैप्टर शुड इंक्लूड ए बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम एंड ए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रथम अध्याय में हम समस्या की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं और समस्या का शीर्षक देते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ही हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रथम अध्याय में या फर्स्ट चैप्टर में समस्या की पहचान और समस्या का चयन। तो जब हम डिजर्टेशन या रिसर्च वर्क अपना कंप्लीट करते हैं या चूज़ करते हैं, तो हमको एक टॉपिक लेना होता है। तो टॉपिक आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर आधारित रहता है, किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट एजुकेशन साइकोलॉजी में है, तो आप शिक्षा मनोविज्ञान का लेंगे। यदि आपका इंटरेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी में है, तो आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक की तरफ जाएंगे। यदि आपका इंटरेस्ट स्पेशल एजुकेशन में है, तो आप विशिष्ट शिक्षा का टॉपिक का चुनाव करेंगे। यहाँ पर आप टॉपिक का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी भी एरिया से टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक को सेलेक्ट करते समय हमको ये ध्यान देना होता है कि हमको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो आपका यूनिक टॉपिक हो, जिस पर कोई वर्क ना हुआ हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है वहाँ पर, और आपका जो रिसर्च वर्क होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या को हमने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और समस्या को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने जिस एरिया की समस्या का चुनाव किया है, जिस एरिया की टॉपिक को हमने चूज़ किया है, उसका हमको यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम या समस्या का शीर्षक देना है। समस्या का शीर्षक जब हम देते हैं, तो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं, उसका मीनिंग क्लियर निकले वहाँ पर। जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, वो वेरिएबल्स का कनेक्शन पूरी तरह से ठीक हो वहाँ पर, और जो हमारी राइटिंग का स्टाइल है वो एक ऐसी शैली में हो कि आपका जो मीनिंग निकल रहा है वो भ्रमित ना करे और एक स्पष्ट मीनिंग या स्पष्ट अर्थ प्रदान करे वहाँ पर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक टॉपिक लिया गया है, ए स्टडी ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस इन रिलेशन टू इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स टीचर। या हम दूसरा टॉपिक लेंगे, एक ए स्टडी ऑफ क्यूरियोसिटी एमंग जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। या एक टॉपिक और लेंगे, वित्त पोषित एवं स्व वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति का अध्ययन। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक का चुनाव करते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में हम टॉपिक को लिखते हैं, तो उस टॉपिक में आने वाले वेरिएबल्स या टर्म को हम डिफाइन करते हैं। टर्म को डिफाइन करने के लिए हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देते हैं, उनका ऑपरेशनल डेफिनेशंस देते हैं, और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस देने के बाद में हम जो भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनका क्लियर मीनिंग डिजर्टेशन में नोट डाउन करते हैं। इस पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नीड एंड सिग्निफिकेंस। जिस टॉपिक को आपने चूज़ किया है, जिस समस्या को आपने चुनाव किया है, उसके क्या नीड थी, आपकी क्या सिग्निफिकेंस आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने शोध शीर्षक लिया है, जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की है,
उसके हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे, उसके उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उद्देश्य निर्धारण के बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। परिकल्पना क्या है आपके, जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम लिया है, जो आपने शोध शीर्षक लिया है, उसके विषय में जो आपके आगे स्टडी होनी है, उसी के संभावित समाधान होते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पर जब हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो भी आपको सुविधा के अनुसार जो आप जिस प्रकार के आपके स्टडी हैं उसका यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। हाइपोथेसिस आपका वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, जिसको हम डिजर्टेशन में अपने चौथे अध्याय में टेस्ट करते हैं, और जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उनके आधार पर हम अपना कंक्लूजन देते हैं। डिलिमिटेशंस देते हैं यहाँ पर कि जैसे कि आपका रिसर्च का एरिया बहुत ब्रॉड है, आप बहुत ब्रॉड एरिया में नहीं जा सकते, तो आप अपनी स्टडी को एक लिमिट में बांध देते हैं कि एक लिमिट में रख देते हैं कि हमको इस एरिया में, एरिया तक अपनी स्टडी को सीमित कर देना है। फॉर एग्जांपल जो आपने कोई भी प्रॉब्लम ली है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आप लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में उसको लिमिट में बांध लेते कि हमको जो सैंपल लेना है, अपना जो पॉपुलेशन लेना है, वो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा। फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे। जो सेकंड चैप्टर है आपका द स्टडी ऑफ रिव्यू लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू, तो जो हमारा जो सेकंड चैप्टर होता है, इस सेकंड चैप्टर में जो प्रीवियस स्टडी आपकी हो चुकी हैं, जो प्रीवियस आपका आपके वेरिएबल्स हैं उन पे जो प्रीवियस रिसर्च हो चुके हैं, उनको हम उनका हम अध्ययन करते हैं, डीपली एनालिसिस करते हैं कि किस एरिया में कितना वर्क हुआ है आपका, और ये अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव भी आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। और पुराने अनुसंधान या पुराने जो रिसर्चेस हैं उनमें क्या क्या वेरिएबल्स की क्या क्या फाइंडिंग्स आपकी आई थी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप पुराने जो शोध हो चुके हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनसे क्या आप अपने शोध में या अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर के बाद में आपका थर्ड चैप्टर रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध अभिकल्प आता है। तो शोध अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले हम मेथड के बारे में बताते हैं कि कौन सा मेथड हमने अपने रिसर्च के लिए चूज़ किया है। सर्वे मेथड यूज़ किया है आपने, या सर्वेक्षण विधि, या आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया है, प्रयोगात्मक विधि, जो भी आपका टॉपिक होगा, जिस प्रकार का आपका टॉपिक होगा उससे संबंधित आप यहाँ पर मेथड लिखेंगे। मेथड के बाद में पॉपुलेशन लिखेंगे कि पॉपुलेशन आपने कहाँ, क्या आपकी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बतानी होगी। फॉर एग्जांपल वित्त पोषित एवं स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृद्धि, तो इसमें जो शिक्षक हैं आपके माध्यमिक स्तर के, वो आपके पॉपुलेशन है। लखनऊ ज़िले के जो स्ववित्त पोषित तथा वित्त पोषित महाविद्यालय, उनमें जो टीचर आपके अध्यापनरत हैं, वो पूरे लखनऊ के जो टीचर्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। आपकी सैम्पलिंग लिखेंगे यहाँ पर, सैम्पलिंग जो आपने पॉपुलेशन से, फॉर एग्जांपल आपने 100 सैंपल लिया है, 200 का सैंपल लिया है, तो जो 100-200 का सैंपल लिया है आपने पॉपुलेशन से, किस मेथड से लिया है, रैंडम सैम्पलिंग से लिया है कि क्लस्टर से लिया है कि कोटा से लिया है, जो भी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वहाँ पर। फॉर डाटा कलेक्शन, या डाटा कलेक्शन जब हम करेंगे तो कौन सा टूल हम यूज़ करेंगे वहाँ पर, टूल का डिस्क्रिप्शन देंगे वहाँ पर, हम टूल्स के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन आयर है आपका कि रेटिंग स्केल है आपका कि शेड्यूल है आपका, जो भी होगा आप यहाँ पर उसको बताएंगे। थर्ड चैप्टर आपका डील करता है मेथड एंड प्रोसीजर से कि किस विधि प्रविधि के द्वारा आप अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। यू विल एक्सपोज द रिसर्च प्रॉब्लम सेटिंग पॉपुलेशन सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस प्रोसेस। तो थर्ड चैप्टर में हम जो हमको प्रोसीजर करना है उसके बारे में हम फुली डिस्क्राइब यहाँ पर करते हैं, कौन कौन से स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे फॉर डाटा एनालिसिस, यहाँ पर हमको ये देना होता है। जब हम जाते हैं फोर्थ चैप्टर में, तो फोर्थ चैप्टर में हमने जो डाटा कलेक्शन किया है, डाटा कलेक्शन का हम एनालिसिस करते हैं, जो हमारे हाइपोथेसिस बनी होती हैं उनको हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद या एनालिसिस करने के बाद हम फिफ्थ चैप्टर या अपने लास्ट चैप्टर पर जाते हैं, समरी
और फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस। तो इस चैप्टर में हम फाइंडिंग्स को देते हैं कि डाटा कलेक्शन के बाद में जो आपने इंटरप्रिटेशन किया था, क्या आपको फाइंडिंग्स मिली, क्या आउटकम्स मिले, यहाँ पर हम फाइंडिंग्स को रखते हैं और अपना कंक्लूजन यहाँ पर हम देते हैं। मेनली जो लास्ट चैप्टर आपका होता है, इन दिस चैप्टर या इन दिस फाइनल चैप्टर यू विल समराइज द स्टडी एंड ब्रीफली रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग एंड द आउटकम्स। तो यहाँ पर जो जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपका रिजल्ट आया है, तो हम जो आपके कंक्लूजन आए हम यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर द स्टडी, जो आपने अनुसंधान किया है, जो आपने रिसर्च की है, उसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, तो हम यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यहाँ पर बताते हैं स्टडी के, जो स्टडी आपने चूज़ की थी, जिस टॉपिक का आपने चुनाव किया। लास्ट चैप्टर में आपका सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, जो हमारी समस्या थी, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम थी, उस रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित जो भावी अनुसंधानकर्ता हैं, जो आपके फ्यूचर रिसर्चर हैं, उनके लिए हम यहाँ पर सजेशन देंगे कि जो हमारा टॉपिक है उनमें कुछ अन्य वेरिएबल है, कुछ नए वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके या मर्ज करके आप किसी नए टॉपिक के संबंध में अध्ययन कर सकते हैं। जिस समस्या का आपने चुनाव किया था, उस समस्या को आप ब्रॉड लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन को चेंज कर सकते हैं वहाँ पर आप लोग, या जो भी चीज़ें होंगी वेरिएबल्स को आप चेंज कर सकते हैं, उसके आधार पर आप यहाँ पर सजेशंस प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ चैप्टर के बाद में लास्ट में आपका अपेंडिक्स बचेगा, जहाँ पर आपको रेफरेंसेस देने हैं, जो रेफरेंसेस जहाँ जहाँ से आपने कोटेशन, जहाँ जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, या जहाँ जहाँ से आपने डेफिनेशंस ली है, जिन जिन सर्व को आपने यूज़ किया है, यहाँ पर हमको रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस के बाद में हमको अपेंडिक्स में टेबल्स हैं, आपके जो ग्राफ्स हैं, आपके जो आपका डाटा कलेक्शन का डाटा कलेक्शन किए थे, आप जो टूल्स यूज़ किए थे, उसको हम लास्ट में बाइंड अप करते हैं, और इसके बाद हमारा डिजर्टेशन या क्वांटिटेटिव डिजर्टेशन, मात्रात्मक अनुसंधान समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक अनुसंधान की, कि गुणात्मक अनुसंधान में क्या स्टेप होते हैं आपके, कितने चैप्टर्स में आपका डिवाइड रहता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि 5 चैप्टर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपके टॉपिक या समस्या के अकॉर्डिंग उसके चैप्टर कम्बर्ड हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।